श्रोतागणों का मेरा अभिनंदन एवं आभार। मैं सौम्या श्रीवास्तव आज भारतवर्ष में चल रही ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के विषय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। शिक्षा प्रणाली जैसा कि भारत में एक और आर्थिक उन्नति का आधार भी है, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार 14 वर्षीय छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अभी व्यापक रूप से असमर्थ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है वह विवादास्पद है। जहां एक ओर IIT, IIM, AIIMS ऐसी ही शिक्षा प्रणाली होने का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी शिक्षा प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण पहले से निम्न शिक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा निम्न हो गई है। भारत रूप में यह शिक्षा प्रणाली रिमोट क्षेत्रों के लिए कारगर है, परंतु इसके कुछ अन्य पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव निम्न एवं मध्यवर्गीय परिवारों पर पड़ा है। सबसे सर्वप्रथम जहां एक ओर अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ा है, वहीं दूसरी ओर क्लासेस में कैमरा ऑन और कैमरा ऑफ करके सो जाना, असाइनमेंट्स को गूगल से कॉपी पेस्ट करना, एग्जाम्स में चीटिंग करना मानो विधि के अनुसार माना जाने लगा है। सवाल इन बच्चों के भविष्य का है जो अपने मूल लक्ष्य से भटक कर केवल एग्जाम्स को पास करने ही को ही अपना मूल लक्ष्य समझ बैठे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता एक गंभीर रुकावट है। साथ ही 55,000 गांव ऐसे हैं जो इंटरनेट की सुविधा से बाहर हैं। कश्मीर में अभी भी 4G नेटवर्क कार्य नहीं कर रहे हैं और ऐसे बच्चे जो 4 से 12 साल की उम्र में हैं, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा संपूर्ण रूप से कारगर नहीं होगी। इन सभी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कारगर हो सकती है कुछ नियम एवं प्रतिबंधों के साथ, परंतु वर्तमान में यथासंभव स्कूल एवं कॉलेज खोल दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में यह बात कही है कि हमें आपदा को अवसर के रूप में स्वीकार करना होगा। वास्तव में यह बात सत्य है। अगर हम देखें तो एक तरफ ऑनलाइन शिक्षा ने हमें कुछ दुष्प्रभाव दिए हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में हम ग्रुप डिस्कशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा 30 से 32 स्लाइड एक ही दिन में पढ़ सकते हैं और क्विज भी खेल सकते हैं जो कि ऑफलाइन मोड में नहीं हो सकता है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी ध्येय को आत्मसात करते हुए संपूर्ण संकट के दौरान कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ना होगा।